Jai Hind, I welcome each one of you here in the session today. And in this new session of Shaurya series, today I'll be discussing with you the important aircrafts of the Indian Air Force. तो काफी आप लोगों को अलग अलग चीजें एयरक्राफ्ट्स के बारे में डाउट्स आते हैं, वही डाउट्स आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या क्या एक बेसिक स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। और ऑल एंड ऑल ऑफ यू हैव जॉइन्ड मी नाउ, अभी कल की भी पीडीएफ में आप लोगों को शेयर नहीं कर पाया था, सो डोंट वरी, टुडे आई विल बी शेयरिंग बोथ द पीडीएफ्स, ओके, ऑफ लास्ट टू थ्री डेज, ऑफ लास्ट टू डेज आई विल बी शेयरिंग इट टुडे, क्लियर, सो डोंट वरी। अब यहां पर अगर हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं, दिस इज द लेगेसी दैट द फायर द फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैव इनहेरिटेड, ठीक है। इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट जो है, the even the pilots, okay, they inherit the legacy of Paramveer Chakra Flying Officer Nirmal Jeet Singh Sekho and the officers like Marshal of the Indian Air Force Arjan Singh, okay. तो ये सारी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहां it is not only the machine that matters, okay, but it is also the pilot, the skills of the pilot that matters the most. अब अगर मैं सेशन शुरू करता हूं तो मैं आज सबसे पहले आप लोगों से एक बहुत बेसिक सी चीज पूछ लेता हूं, ठीक है, दैट विच पायलट्स और विच एयरक्राफ्ट पायलट्स यू थिंक आर द बेस्ट स्किल्ड और दे आर स्किल्ड विद द हाइएस्ट लेवल ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट्स और स्किल्स। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कौन से एयरक्राफ्ट है जिनके पायलट आपके हिसाब से सबसे ज्यादा स्किल्ड होते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज का जो सेशन है वो बहुत तरह से आपके जो एक मिसकंसेप्शन है, जो मिथ है, उन्हें भी रिजोल्व करने के लिए जरूरी था, ओके। तो आप सभी लोग जो मेरे साथ सेशन में आ चुके हैं, जल्दी से बताइए मुझे दैट विच एयरक्राफ्ट पायलट्स डू यू फील दे आर द मोस्ट स्किल्ड। सो गुड आफ्टरनून ऑल, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, आई वेलकम ईच वन ऑफ यू हेयर इन द सेशन टूडे। राहुल जी, आप सेशन देखते रहिएगा, सेशन के बीच में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, सो डोंट वरी। देखिए बताइए, तो काफी लोग यहां पर कहते हैं कि जो सर सबसे ज्यादा स्किल्स की अगर बात करी जाए तो कुछ लोग कहते हैं सुखोई 30, somebody is saying F-35, somebody is saying the Rafael, okay, someone says the F-16, तो तेजस, अलग अलग लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जब भी हार्शेस्ट ऑफ द क्लाइमेट की अगर बात करी जाए, ठीक है, हार्शेस्ट ऑफ द क्लाइमेट्स की अगर हम लोग बात करें, then we would always find that it is the helicopter pilots which are roped in any adverse circumstance. आप काफी लोग सोच रहे थे कि मैं भी बताऊंगा कि Su-30 या MiG-21 Bison या F-16, okay, I'm not demeaning any pilot, but I'm telling you that skills of the pilots, they are tested in the circumstances in adversary situations. ठीक है, adversary situations में pilot के असली skills test होते हैं, ठीक है। और अगर एक बढ़िया skills की बात करी जाए, a pilot that can operate in minimum resources, that is also one of the best amongst all, ठीक है। तो आज के सेशन में मैं पहली चीज तो आज शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूं दैट इट इज नॉट द हेलीकॉप्टर पायलट्स विच आर लेसर स्किल्ड, ओके, इट इज नॉट द फाइटर पायलट्स हु आर फार मोर सुपीरियर देन द कंटेम्प्रेरी, ओके, बट इट इज द पायलट्स डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेज इन विच दे कैन ऑपरेट, ओके, इट मेक्स अ पायलट अ गुड, बेटर और द बेस्ट पायलट।
अगर हम हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो हेलीकॉप्टर्स आप लोग देखते हैं, दे हैव गॉट लीस्ट अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। ना तो इजेक्शन का ऑप्शन है पायलट के पास, ना हेलीकॉप्टर के पास, ठीक है। कोई भी सिचुएशन आ जाए, इट इज द पायलट हु हैज टू एंश्योर दैट द एयरक्राफ्ट इज टेकन टू द सेफेस्ट प्लेस एंड देन ही हैज टू मैनुअली जंप आउट ऑफ इट, ओके। वेयर एज द फाइटर एयरक्राफ्ट हैव गॉट इजेक्शन कैपेबिलिटीज। साइमल्टेनियसली और फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी मौसम खराब हो जाए, ओके, थोड़ा सा भी अगर यहां पर मौसम खराब हो जाए तो यहां पर सवाल उठता है कि सर ये जो फाइटर पायलट्स हैं, दे लैंड, दे ऑपरेट इन सर्कमस्टेंसेस, बट व्हाट हैपेंस टू अ हेलीकॉप्टर पायलट, ओके। ही हैज टू अल्टीमेटली ही हैज टू फाइट दी सर्कमस्टेंसेस एंड देन ही हैज टू एंश्योर दैट द एयरक्राफ्ट इज लैंडेड एट एनी फिजिबल लोकेशन। इसके बाद कई बार आप देखते हैं कि फाइटर एयरक्राफ्ट दे डू रिक्वायर अ रनवे और एटलीस्ट अ एयर स्ट्रिप, ओके, बट देयर हैव बीन इन्यूमरस सर्कमस्टेंसेस वेयर इन द रेस्क्यूइंग ऑपरेशंस, इवैक्यूएशंस हैव बीन कंडक्टेड इन हार्शेस्ट पॉसिबल, अंडर हार्शेस्ट पॉसिबल कंडीशंस, एंड हेलीकॉप्टर्स हैव लैंडेड एट वेरी ऑकवर्ड प्लेसेस, क्लियर। सो इट इज नॉट द एयरक्राफ्ट। आप सभी लोगों से जब मैंने पूछा कि कौन सा पायलट अच्छा है, तो आपने अच्छे से अच्छे एयरक्राफ्ट की बात बता दी, ओके। आपने बताया जो टेक्निकली मोस्ट साउंड एयरक्राफ्ट था, आपने उसका नाम ले दिया और आपने सोचा जो एयरक्राफ्ट अच्छा है वही पायलट भी अच्छा होगा, बट इट इज नॉट द केस, क्लियर। तो वो तो आपकी ट्रेनिंग के दौरान, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू हैव एक्वायर्ड द स्किल्स, ओके, यू हैव बीन गिवन these streams, whether it is fighter, transporters or helicopters, okay, but it is the skills of the pilot that matter the most. I hope most of you have understood what I tried to convey, theek hai, jo main aap logon ko convey karna chah raha tha, I hope aapki samajh mein aa gaya hai ke what type of skills I was talking about, okay. So never ever demean a pilot depending upon the aircraft he's flying, clear. Chali, starting off with the session today, what is my agenda for today's session, okay. तो आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स ऑफ एयरक्राफ्ट, एनी अपग्रेडेशंस दैट हैव टेकन प्लेस, एंड आई विल आल्सो डिस्कस विद यू व्हाट आर द डिफरेंट जनरेशंस ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो यहां पर अलग अलग एयरक्राफ्ट की क्या क्या जनरेशंस होती हैं, ठीक है, वो भी हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। आपने कई बार सुना होगा ना कि कई बार सुनने में आता था राफेल इज अ 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट, ओके, फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन की बात की जा रही थी। सो व्हाट आर दी जनरेशंस दैट आई विल आल्सो बी डिस्कसिंग विद यू इन दी सेशन टुडे, क्लियर। मूविंग अहेड, स्टार्टिंग ऑफ विद दी सेशन, ओके, अब सबसे पहले यहां पर हम लोग देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज की अगर हम बात करें एक लेमैन के फॉर्म में, क्लियर। लेमैन की तरह अगर आप देखते हैं, देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट्स, थ्री कैटेगरीज ऑफ एयरक्राफ्ट्स ओवरऑल। फर्स्ट इज द फाइटर्स, सेकेंड इज द ट्रांसपोर्टर्स, एंड थर्ड आर द हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। अब फाइटर्स जो है दे आर बेसिकली टू कम अप इन अ कॉम्बैट रोल, ये कॉम्बैट रोल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जहां पर आप लोग देखते हैं कहीं भी एनिमी को एंगेज करने की जो जरूरत पड़ती है, इट इज द प्लेस देयर इन द फाइटर एयरक्राफ्ट्स कम इन टू प्ले, क्लियर। देन इट इज द ट्रांसपोर्टर्स, एंड दीज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स दे आर बेसिकली फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी लोड्स, ठीक है, जो हैवी लोड्स हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। हैवी लोड्स को ट्रांसपोर्ट करने का मतलब है कि ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्ट के लिए। इसके साथ साथ आप कई बार देखते हैं वी हैव गॉट एयरक्राफ्ट्स, ओके, विच कैन इवन ट्रांसपोर्ट द ट्रक्स, विच कैन इवन ट्रांसपोर्ट द टैंक्स, क्लियर। और थर्ड आर द हेलीकॉप्टर्स, जो एक लो कैपेसिटी एयरक्राफ्ट्स होते हैं, ओके, एंड दे आर बेसिकली फॉर मैन्यूवरिंग द टास्क एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड्स, अलोंग विद इट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर
high level, low level flying and multiple operations relating to them. Okay, they have also been used for transporting men as well as materials. Clear? Moving ahead, अब अगर बात करते हैं, okay, यहां पर सबसे पहली जो कैटेगरी आती है, यहां पर एक एक करके we will, today we'll go across fighters, transporters as well as helicopters. Okay, अब जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उसमें भी हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज के एयरक्राफ्ट आते हैं. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट. ठीक है, एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट का मतलब है दैट दीज एयरक्राफ्ट दे कैन साइमल्टेनियसली एंगेज टारगेट्स. ओके, एंड दे कैन besides engaging multiple targets, they can also ensure the superiority over the enemy airspace. Okay, that is the principle behind it. ठीक है, एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट की अगर बात करी जाए तो भारत में हमारे पास आते हैं Su-30 MKI, ओके, MiG-29 UPG अपग्रेड जिसे बोला जाता है. नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारे पास मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की. ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखते हैं कि मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स कौन कौन से इस्तेमाल किए गए. ठीक है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट जो है दे आर इंटेंडेड टू परफॉर्म डिफरेंट रोल्स इन कॉम्बैट. कॉम्बैट में अलग अलग रोल्स के लिए, जैसे हाई लेवल फ्लाइंग, लो लेवल फ्लाइंग. ठीक है, ये अगर मैनूवर्स करने हैं, ठीक है, दे आर दी वंस हु कैन मैनूवर ऑल दीज थिंग्स. क्लियर? तो ये जो चीजें हैं ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट कर सकते हैं, और मल्टी रोल एयरक्राफ्ट में हमारे पास आते हैं वी हैव गॉट रफाल, ओके, तेजस, मिराज, दे हैव बीन इनटू अ मल्टी रोल. ओके, तो ये प्राइमरी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज यहां पर आती है. ठीक है, अगले एयरक्राफ्ट आते हैं हमारे ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट. ठीक है, ये जो ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है अगर इनकी बात की जाए, दे आर फॉर अटैकिंग स्ट्राइक एयरक्राफ्ट. ओके, दे आर दी वंस हु आर यूज फॉर एनी सॉर्ट ऑफ मिलिट्री स्ट्राइक्स. ठीक है, कोई टेक्टिकल मिलिट्री फ्लाइंग या प्राइमरी रोल जो है वो हर प्रकार की एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट करना ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट का काम है. ठीक है, तो प्राइमरीली यहां पर ये डिफरेंट रोल्स देखे गए. इसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी आती है, जो इस समय इंडिया में इनिशियली फेज आउट किया जा चुका है इंटरसेप्शन के नाम पर, दैट इज MiG-21. क्लियर, MiG-21 अब फेज आउट हो चुका है, बट इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स. ठीक है, MiG-21 का क्या काम था कि अगर कोई भी एनिमी एयरक्राफ्ट हमारी एयर स्पेस में इंट्रूड करता है, क्लियर, सो दिस इंटरसेप्शन एयरक्राफ्ट इट escorts that aircraft to the nearest air force base. ठीक है, कई बार आप देखते हैं ना, आप किसी की गलत टेरिटरी में घुस गए तो उनके जो गार्ड्स होते हैं वो आपको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं या हेडक्वार्टर ले जाते हैं. इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट का यही काम था. इंटरसेप्शन एयरक्राफ्ट तो कभी एनिमी एयरक्राफ्ट जो हमारी एयर स्पेस वायोलेट करते थे, सबसे ज्यादा वायोलेशन हमारे वेस्टर्न फ्रंट्स पे और नॉर्दर्न फ्रंट्स पे होते थे. ठीक है, तो वहां पर MiG-21 इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और MiG-21 जो है इट वुड मैनूवर, इट वुड एस्कॉर्ट द एनिमी एयरक्राफ्ट टू द नियरेस्ट एयरफोर्स बेस. क्या अब इसी में आप लोग देखते हैं कि इसी फेज के दौरान यहां पर अगर बात की जाए तो कुछ एयरक्राफ्ट रिटायर हो गए, जैसे MiG-21 रिटायर हो गया. ठीक है, और MiG-27 जो है वो भी रिटायर हो चुका था. क्लियर, MiG-21 Bison जो है इसके भी जो रोल्स हैं वो चेंज किए गए. MiG-21 Bison सिर्फ एक अराउंड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट नहीं है, इट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड इन अ मल्टी रोल. ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि MiG-21 Bison जो है ये मल्टी रोल में भी इस्तेमाल किया जाता है, एंड इट इज ऑल्सो फॉर ग्राउंड अटैक्स. क्लियर, सो MiG-21 Bison इज द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ MiG-21. MiG-21 हैव बीन फेज्ड आउट, बट इट इज द Bison विच इज फ्लाइंग नाउ ऑल्सो. क्लियर, तो ये रोल के बेस्ड पे आप लोग देखते हैं कि डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन अकॉर्डेड टू दीज डिफरेंट एयरक्राफ्ट. क्लियर, आई होप एवरी वन ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ठीक है, तो जो लोग आगे एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, और अदरवाइज यू मस्ट नो दैट व्हाट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द एयरक्राफ्ट्स वी हैव.
क्लियर। सो ऑल ऑफ यू हु हैव जॉइंड मी नाउ इन दिस सेशन, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, जल्दी से पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफी एक इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। काफी कुछ अनसीन फोटोग्राफ्स भी लेकर आया हूं यहां पर एयरक्राफ्ट के, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। क्लियर, इट रिक्वायर्स अ गुड अमाउंट ऑफ एफर्ट्स ऑल्सो, ठीक है। सो अब यहां पर डिफरेंट रोल्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इस सभी एयरक्राफ्ट्स आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या मूविंग अहेड, द फर्स्ट सेट ऑफ एयरक्राफ्ट्स जानने से पहले, ये हमारे पास एयरक्राफ्ट्स क्या है, इनसे पहले हम लोग समझते हैं कि जनरेशंस क्या होती हैं। व्हाट आर जनरेशंस इन द एयरक्राफ्ट, कि जनरेशन जो है एयरक्राफ्ट की वो क्या होती है। आप कई बार फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन बोलते हैं, व्हाट इफेक्टिवली आर दीज एयरक्राफ्ट्स, ठीक है। तो ये कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इट इज नॉट ओनली द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बट इट इज विद रिस्पेक्ट टू द टाइमलाइन वेयर इन दे हैव बीन क्रिएटेड, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये 1940s और 1950s के अराउंड जो एयरक्राफ्ट बनाए गए थे उनके बीच में आए थे, ठीक है। ये जो फर्स्ट जनरेशन जेट फाइटर्स हैं, जैसे आप लोग देखेंगे F-86, MiG-15, MiG-17, इनमें एक बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया था। एवियोनिक्स मतलब एविएशन सिस्टम, फ्लाइंग टेक्नोलॉजी, फ्लाइंग सिस्टम्स जो है उनका इस्तेमाल यहां पर किया गया था। ये जो रडार्स हुआ करते थे, इनमें कोई भी, ये जो एयरक्राफ्ट थे इनमें ना तो रडार्स थे, ठीक है, ना ही कोई यहां पे सेल्फ प्रोटेक्शन या काउंटर मेजरिंग कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता था, ठीक है। दे हैड वेरी बेसिक मशीन गन्स, कैनन्स जो बोली जाती थी, मीडियम मशीन गन्स, उनका यहां पर इस्तेमाल किया जाता था। एंड दे ऑल्सो हैड अनगाइडेड बॉम्ब्स। अनगाइडेड बॉम्ब्स का मतलब कि कोई जीपीएस टारगेटेड बॉम्ब्स नहीं थे। द पायलट हैड टू मैनुअली ड्रॉप द बॉम्ब, ओके, कीपिंग इन माइंड वॉट इज द टारगेट, क्लियर। तो ये जो सारी चीजें हैं ये यहां पर ध्यान में रखी जाती थी, क्लियर। तो ये फर्स्ट जनरेशन सबसोनिक एयरक्राफ्ट जो थे, दी स्पीड वॉज ऑल्सो लेस एंड दी स्पीड वॉज लेसर देन दी स्पीड ऑफ साउंड, क्लियर। फर्स्ट जनरेशन के बाद जो सेकेंड जनरेशन आती है एयरक्राफ्ट की, इट वॉज दे वर दी एयरक्राफ्ट बिल्ट ड्यूरिंग 1950s to early 1960s, ठीक है। 1950s से अर्ली 1960s के बीच में बनाए गए जो एयरक्राफ्ट थे वो यहां पर देखे गए, ठीक है। अब ये जो सेकंड जनरेशन एयरक्राफ्ट थे, दे सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ एयर टू एयर रडार, ठीक है। तो एयर टू एयर यहां पर जो मॉनिटरिंग थी, कॉम्बैट थे, काउंटर सिक्योरिटी मेजर्स भी इनके, काउंटर अटैक मेजर्स भी इनके पास रखे गए थे, क्लियर। दे ऑल्सो हैड इंफ्रारेड एंड सेमी एक्टिव गाइडेड मिसाइल्स। तो पहली बार यहां पर जो सेकंड जनरेशन एयरक्राफ्ट थे, इसमें पहली बार गाइडेड मिसाइल सिस्टम जो था उनका भी इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। जैसे एयरक्राफ्ट में आप लोग देखते हैं MiG-19, MiG-21 इंटरसेप्शन जो था ये लाया गया, क्लियर। तो MiG-21 जो हमारे पास था, ठीक है, दैट वी हैड फ्लोन ऑलमोस्ट लास्ट 2-3 years बैक, वी हैड MiGs फ्लाइंग, MiG-21s फ्लाइंग, यहां पर उन्हें भी एक इंटरसेप्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, और इसमें पहली बार एक एयर टू एयर रडार्स का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे, दे ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड डिफरेंट एडवांसेस इन इंजन डिजाइन। यहां पर एरोडायनामिक्स जो था वो चेंज किया गया, सुपरसोनिक स्पीड जो थी वो भी अटेन की गई, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सुपरसोनिक स्पीड का मतलब है कि पहली बार यहां पर इन्होंने साउंड बैरियर को क्रॉस करने की कोशिश की गई थी, क्लियर। सो दिस सेकेंड जनरेशन वॉज इन बिटवीन 1950 to 1960, क्लियर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट आए थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट, जो अर्ली 1960s से 1970s तक वो यहां पर मैन्युफैक्चर किए गए, क्लियर। ये जो सभी एयरक्राफ्ट थे, दे सॉ डिफरेंट अमाउंट ऑफ वेपन सिस्टम। तो यहां पर आप थर्ड जनरेशन में देखेंगे, फर्स्ट जनरेशन तो बेसिक एयरक्राफ्ट जो थे, जो एक पेट्रोलिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, मैनुअल बॉम्ब्स ड्रॉपिंग के लिए। सेकेंड जनरेशन में आपने देखा कि सुपरसोनिक हाई स्पीड की बात की गई, ठीक है। और जो थर्ड जनरेशन आए उसमें पहली बार एक एडवांस्ड वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मल्टी रोल फाइटर जो है इन्हें भी एक्सटेंसिवली लाया गया, क्लियर। यहां पर जो एयरक्राफ्ट थे, दे वर लाइक MiG-23,
F4, मिराज थर्ड, ओके और यहां पर डॉपलर रडार जो था उसका भी इस्तेमाल किया गया, मतलब लुक डाउन शूट डाउन। तो जो टारगेट लॉकिंग सिस्टम था एयरक्राफ्ट्स में, वो पहली बार एक एक्सटेंसिव तरीके से थर्ड जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स में देखा गया। क्लियर। अब ये जो एक फेज था, ये काफी, ये एक नेक्स्ट जंप थी, ठीक है, एवियोनिक्स की अगर बात करी जाए। सो दिस वॉज द फर्स्ट प्रोमिनेंट जंप दैट वॉज टेकन बाय द एविएशन इंडस्ट्री, ओके। और इसमें जो चेंजेस लाए गए, आप देख सकते हैं कि सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के बीच में जो डिफरेंसेस थे, दे वर द मैक्सिमम, दे वर वेरी वेरी प्रोमिनेंट, ओके। फिर आते हैं फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, ठीक है, फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, चाहे F-22 रैप्टर की बात की जाए, F-35 की बात की जाए, ये यहां पर आ चुके थे। क्लियर, ओके। अब इसी फेज में आप लोग देखेंगे कि जो फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, ओके, ये 1970s से लेट 1980s तक इनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई, ठीक है। ये फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को आप देख सकते हैं कि ये जो एक टाइम था, यहां पर रेगुलर जो एयरक्राफ्ट है, अपग्रेडेशन है, वो सबसे ज्यादा होने लगे थे, ठीक है। और ये जो एयरक्राफ्ट है, मीडियम मल्टी रोल की कैटेगरी जो थी, ठीक है, मीडियम मल्टी रोल की कैटेगरी में एयरक्राफ्ट सबसे ज्यादा इंडक्ट हुए, ठीक है। दूसरा, इस यहां पर आप लोग देख सकते हैं दैट दीज एयरक्राफ्ट दे वर नाउ कैपेबल एनफ टू पार्टिसिपेट इन एनी ऑपरेशन, ओके, या फिर एनी डिफरेंट रोल दैट कैन बी गिवन टू देम। ये हाई लेवल फ्लाइंग, लो लेवल फ्लाइंग, मल्टी रोल्स, ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर आ चुकी थी। एंड नाउ द एयरक्राफ्ट्स दे वर स्विचिंग ऑन टू समथिंग विच वॉज हाइपरसोनिक, ठीक है, हाइपरसोनिक भी लोग एम करने लगे थे कि हम ज्यादा से ज्यादा स्पीड जो है उनकी बात कर सकते हैं। और यहां पर एक अलग अलग रोल्स में स्विच करने की कैपेबिलिटीज पहली बार इंट्रोड्यूस करी गई 1970s से 1980s के बीच में। क्लियर। अब ये एक ऐसा समय रहा कि जहां पर अपग्रेडेशन की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं थी, ठीक है। अब 1970 से 1980s के बीच में आप देखते हैं कि ये एक ऐसा फेज रहा जिसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दुनिया भर में बहुत ज्यादा लड़ाइयां भी नहीं हुई थी किसी देश में, ठीक है, तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट अपग्रेडेशंस तो मिले नहीं इस समय पर। क्या तो आप लोग सोचेंगे सर लड़ाइयों का एयरक्राफ्ट से क्या मतलब, वही ना कंज्यूमर डिमांड सप्लाई की बात है, ठीक। चलो, अब ये जो एक फेज था जहां पर मल्टी रोल्स आ चुके थे, एक रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज भी किए जा रहे थे, नाउ एयरक्राफ्ट्स रिक्वायर्ड स्टेल्थ कैपेबिलिटी। अब आदमी की भूख और बढ़ती गई, उसने कहा कि हां कुछ और हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। क्या तो अब जितने भी नए एडवांसमेंट्स किए जा रहे थे उसमें ये एम किया गया दैट नाउ वी विल बी एमिंग समथिंग लाइक द स्टेल्थ फीचर, ठीक है। स्टेल्थ फीचर का मतलब है, आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर एक प्रकार से ये जो एक कैपेबिलिटी थी स्टेल्थ फीचर में कि वो किसी प्रकार से जो रडार्स हैं उनके कंट्रोल में ना आ पाए, ठीक है। अब इसी चीज की अगर बात की गई, यहां पर आप लोग देखेंगे कि नेक्स्ट जो अपग्रेडेशन किया गया वो इन्हीं लाइंस पर किया जा रहा था, ठीक है, ओके। यहां पर जो फ्लाई बाय वायर फीचर बोला जाता है, फ्लाई बाय वायर फीचर इज इफेक्टिवली, ओके, इट इज द सिस्टम विद ऑटोमेटिक कंट्रोल्स, ठीक है। ऑटोमेटिक कंट्रोल्स के जो सिस्टम्स होते हैं उन्हें फ्लाई बाय वायर कहते हैं, एक लेमैन लैंग्वेज में, जहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस से बहुत ज्यादा मैनुअल छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती हो। क्लियर, दैट इज फ्लाई बाय वायर। क्लियर। अब इसके बाद अगली जो जनरेशन आई दैट वॉज द 4.5th जनरेशन, 4.5 जनरेशन। क्लियर। लेट 80s से 90s तक ये एयरक्राफ्ट बनाए गए, ठीक है। और यहां पर धीरे धीरे अब एयरक्राफ्ट के पीछे, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक तो स्टेल्थ फीचर एम किया गया, दूसरा इन्होंने कहा कि जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसे भी कम किया जाना चाहिए। सभी जो देश थे वो आपस में दुनिया भर में पीस प्रिवेल करना चाहते थे, वो चाहते थे कि भाई एक प्रकार शांतिपूर्वक एनवायरमेंट जो है वो दुनिया भर में बना रहे, तो बहुत ज्यादा देश जो है वो डिफेंस के ऊपर स्पेंडिंग ना कर। तो यहां पर 4.5 जनरेशन जो थी वो देखी गई, जिसमें कॉस्ट इफेक्टिव एयरक्राफ्ट जो थे वो बनाए गए, रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल से उन्हें कोटिंग की गई, ठीक है, बहुत वेक्टर कंट्रोल्ड इंजन्स और जो वेपन कैपेबिलिटीज थी, कैपेसिटीज थी, उन्हें बढ़ाए जाने की बात की गई। क्लियर। सो दिस हैपेंड इन द 4.5th जनरेशन। क्लियर। नेक्स्ट केम द 5th जनरेशन जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड है। अब
इसमें फिफ्थ जनरेशन में अगर अभी तक एक एयरक्राफ्ट देखा जाए जो खुद को फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट के तौर पर प्रूव कर चुका है, दैट इज F-22। ठीक है, अब स्टेल्थ फीचर क्या होता है? ये स्टेल्थ फीचर का मतलब दैट समथिंग दैट इज अनट्रेसेबल बाय द रडार्स, जो आपके एनिमी रडार्स है वो ट्रेस नहीं कर पाते। क्या अब यहां पर F-22 के बाद चाइना का जो J-20 है, चेंगडू एयरक्राफ्ट, चाइना भी ये स्पेक्यूलेट करता है कि हम भी फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बना चुके हैं। क्लियर, बट टिल डेट चाइना हैज नेवर एवर शोकेस्ड दैट एयरक्राफ्ट। ओके, सो एज पर द इंटरनेशनल मिलिट्री स्टैंडर्ड्स और द डिफेंस वॉच ऑर्गेनाइजेशंस, दे हैवंट स्टिल रिकॉग्नाइज्ड J-20 एज अ फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट। क्या? तो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट वो रहे जो 2005 के बाद जिनकी डिजाइनिंग के ऊपर R&D चलती रही। क्या यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि धीरे धीरे Su-35 जो है, ठीक है, उनकी बात की जा रही है, रशिया और इंडिया के लिए सुखोई के वेरिएंट्स जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं, F-35 जॉइंट स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जो है, दे आर दी वंस हु आर इन लाइन फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। क्या तो ये जो सारी चीजें हैं ये आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर ये रखी गई। क्या नाउ आफ्टर दीज कैपेबिलिटीज, आफ्टर दीज जनरेशंस, ओके, आई होप आप सभी को समझ आ गया कि क्या क्या जनरेशंस होती हैं एयरक्राफ्ट की। नाउ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल द फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया, फॉलोड बाय द ट्रांसपोर्टर्स एंड देन द हेलीकॉप्टर्स। क्या अब फाइटर एयरक्राफ्ट की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करते हैं दैट इज Su-30MKI। क्लियर, Sukhoi-30 is one of the most, आप कह सकते हैं कि एक होलिस्टिक एयरक्राफ्ट है। ओके, इट इज एन एयर सुपीरियरिटी व्हीकल विच कैन ऑल्सो टेक केयर ऑफ द मल्टी रोल एंड इट कैन टेक केयर ऑफ एनीथिंग। ठीक है, चाहे एयर सुपीरियरिटी हो, मल्टी रोल हो, इंटरसेप्शन हो, एवरीथिंग कैन बी वेल टेकन केयर ऑफ बाय Su-30। क्लियर, सो इट इज इफेक्टिवली अ ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, ओके, विच इज मेड बाय रशिया। ओके, इट कैन कैरी 30mm GSH गन्स अलोंग विद 8000 kg ऑफ एक्सटर्नल आर्मामेंट। तो अभी तक अगर कैपेबिलिटीज की बात की जाए, इट इज दी वन हु कैन विच कैन कैरी अ वेरी हैवी अमाउंट ऑफ पेलोड्स। क्लियर, इट हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ कैरिंग अ वैरायटी ऑफ मीडियम रेंज गाइडेड एयर टू मिसाइल्स विद एक्टिव और सेमी एक्टिव रडार, और अलोंग विद इट इट कैन ऑल्सो अटेन द स्पीड्स ऑफ 2.35 Mach। ठीक है, तो 2.35 Mach तक की जो स्पीड है दैट इज 2.35 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड दैट कैन बी अटेन्ड। क्लियर, इसके साथ साथ प्रीवियसली आप लोग देखते हैं दैट लास्ट ईयर इफ यू हैड कम अक्रॉस अ न्यूज, ठीक है, एक न्यूज आई थी दैट इन बैंगलोर, ओके, देयर वाज अ ह्यूज थड दैट वाज हर्ड ड्यूरिंग दी डे। ठीक है, पूरे दिन में एक दिन अखबार में पिछले साल ही खबर आई थी कि बंगलोर में बहुत ज्यादा एक तेज आवाज आई थी। ठीक है, कई जगह यहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को चेक किया गया कि कहीं बॉम्ब ब्लास्ट तो नहीं है, कुछ नहीं है, बट अल्टीमेटली इट वॉज द इंडियन एयरफोर्स दैट कंफर्म दैट इट वॉज वन ऑफ आर फाइटर एयरक्राफ्ट दैट हैज क्रॉस्ड द बूम बैरियर एंड इट हैड क्लॉक्ड अ स्पीड ऑफ समवेयर अराउंड ओवर 3-3.5 Mach। क्लियर, तो वहां पर यह स्पेक्यूलेट किया जा रहा था दैट इट वॉज के जो हमारे यहां पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां पर वन ऑफ दी Su-30 एयरक्राफ्ट हैड क्रॉस्ड दी बूम बैरियर विद सच अ हाई स्पीड। क्लियर, अब Su-30 एक प्राइमरी एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट के तौर पर देखा जाता है, बट कई बार आप लोग देखते हैं, कई बार आपको ये डाउट भी आएगा दैट सर व्हाई डिड वी गो फॉर राफेल एयरक्राफ्ट इंस्टेड ऑफ सुखोई। क्लियर, क्योंकि राफेल जो है उसका रोल लिमिटेड है, इट कैन नॉट कैरी दैट अमाउंट ऑफ पेलोड विच वॉज कैरीड बाय सुखोई। ओके, तो यहां पर आप लोग देखेंगे Su-30 जो है उसकी ऑपरेबिलिटी कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट इज वेरी हाई। ओके, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, ओके, अफोर्डेबिलिटी ऑफ Su-30 इज वेरी वेरी लेस। ओके, Su अफोर्ड करना काफी मुश्किल है, काफी महंगी सॉर्टी है Su की। ठीक है, अब इसी तरह Su-30 के बाद अगला जो एयरक्राफ्ट देखा जाता है, दिस एयरक्राफ्ट
वॉज द मिराज 2000, ठीक है. मिराज 2000 वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एयरक्राफ्ट, ठीक है. अगर आप देख सकते हैं तो यहां पर एक बहुत प्रोमिनेंट एयर डिफेंस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है ऑफ द फ्रेंच ओरिजिन. क्या इट कैन अटेन द स्पीक अराउंड 2.3 मैक एंड इट कैन कैरी 230 mm इंटीग्रल कैनन्स एंड टू मेट्रा सुपर 530D मीडियम रेंज वेपन्स आल्सो, ठीक है. क्लोज कॉम्बैट मिसाइल्स के साथ साथ ग्राउंड अटैक हो या मल्टी रोल हो उसमें भी मिराज एक बहुत इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट के तौर पर देखा जाता है एंड इट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स. क्लियर. मिराज 2000 के बाद अगला जो एयरक्राफ्ट आता है यहां पर दैट इज मिग 29. ओके, मिग 29 आप लोग देखते हैं कि काफी लोग आप कई बार जब कंफ्यूज होते हैं तो मिग 29 का और सुखोई का जो साइज जो एक फ्रेम है, ठीक है, जो एक डिजाइन है दैट इज सिमिलर, ठीक है, सिमिलर है और काफी लोग कंफ्यूज होते हैं यहां पर. सो मिग 29 इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एयर सुपीरियरिटी फायर एयरक्राफ्ट, ओके, ऑफ रशियन ओरिजिन, ठीक है. अच्छा, अब कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये मिग का क्या मतलब है भैया, ये जो मिग शब्द इस्तेमाल किया जाता है ना, ठीक है, दिस इफेक्टिवली मिग इज द मैन्युफैक्चरर मिकोयन एंड गुरेविक. Mikoyan and Gurevich, okay, they are the manufacturers, okay. MiG 29 के बाद यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि it has a combat ceiling of 17 kilometers, means it can at most attain the heights of 17 kilometers from the ground, okay, and it carries 30 mm cannon along with 4 R-60 close combat missiles. ठीक है, तो रिसेंटली यहां पर आप देख सकते हैं कि R-60 मिसाइल्स हो चाहे स्पाइस बॉम्ब्स हो उन्हें भी मिग 29 के यहां पर मिग 29 के साथ इंटीग्रेट करने की बात चल रही है. क्लियर. इसके साथ साथ अगली चीज आती है यहां पर, द नेक्स्ट एयरक्राफ्ट इज मिग 21 बायसन, ठीक है. और मिग 21 बायसन के तौर पर आप लोग देखते हैं दैट इट इज अ सिंगल इंजन सिंगल सीटर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, ओके. और कई जगह तो इन द फाइटर सर्कल्स, ओके, अमंग्स द पायलट्स, ओके, द मिग 21 बायसन इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट, जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि कल मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था AK-47 के बारे में, ओके. सो इट इज लाइक AK-47 फॉर द पायलट्स, ओके. दे आर फ्लाइंग विद इट इवन दो देर हैव बीन सम अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स विद मिग 21 बायसन, बट स्टिल द मिग 21 बायसन इज अ कैपेबल एयरक्राफ्ट, ठीक है. यहां पर आप लोग देखेंगे कि चाहे मिग 21 है, ठीक है, इवन दो इट वाज दिस बायसन इज ऑलमोस्ट वर्किंग समवेयर अराउंड थर्ड जनरेशन, इट इज कॉम्पीटिंग विद द थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट, बट एवरीवन नोज द वॉर रेडीनेस ऑफ दिस एयरक्राफ्ट, ओके. एंड जस्ट एन ईयर बैक इट वॉज द एयरक्राफ्ट दैट शॉट डाउन एन F-16, ठीक है, यही वो एयरक्राफ्ट है. देर हैव बीन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स ऑफ दिस एयरक्राफ्ट, बट स्टिल इट इज द वन व्हिच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट फाइट रेडी वॉर रेडी एयरक्राफ्ट्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स. क्लियर. मूविंग अहेड, अगला यहां पर आते हैं जैगुआर, ओके. जैगुआर इट इज अ ट्विन इंजन सिंगल सीटर डीप पेनिट्रेशन एयरक्राफ्ट. Clear. So along with MiG-21, Jaguars have also been considered as one of the most important aircrafts. Okay. And they are of the Anglo-French origin. Clear. In this case, the speed they can attain is up to 1.3 Mach. And they also have 230 mm guns and can carry 2 3R-350 magic CCMS bombs. Okay. अब इसी फेज में आप लोग देख सकते हैं कि अलॉन्ग विद इट इट कैन ऑल्सो कैरी अ पेलोड ऑफ अप टू 4700 किलोमीटर. क्लियर. ओके, मूविंग अहेड, जैगुआर के बाद अगला वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर, और इंडिया में आप लोग देख सकते हैं दैट एवरीवन हैड इफेक्टिवली वेटेड फॉर दिस एयरक्राफ्ट, ठीक है, इस एयरक्राफ्ट के लिए पूरा देश को इंतजार था, ठीक है. कुछ आप देख सकते हैं कि कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी रही थी, कुछ ऐसा भी था दैट It was after Sukhoi that India was going for a fighter aircraft after a very long gap. बहुत बड़े गैप के बाद इंडिया ने किसी फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदा था, जो डील्स थी वो साइन की गई थी. क्लियर. मोर ओवर इट वॉज दिस टाइम दैट राफेल एज वेल एज LCA तेजस दे केम एंड दे ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स. ओके, मूविंग अहेड, अब यहां पर अगर राफेल की बात की जाए तो राफेल आप देख सकते हैं एक कंप्लीट एयरक्राफ्ट है.
ठीक है, और राफेल के पास जो बेस्ट एक फीचर माना जाता है दैट इज इट्स कॉम्पैक्ट साइज. ओके, द साइज इज वेरी वेरी कॉम्पैक्ट फॉर दिस एयरक्राफ्ट एंड फ्रॉम इंटरसेप्शन टू मल्टी रोल इट कैन कंडक्ट मेनी टारगेट्स. ठीक है, सभी प्रकार के जो काम है वो इनके द्वारा कंडक्ट कराए जा सकते हैं. ठीक है, अब राफेल में आप लोग देख सकते हैं कि एक एयर डिफेंस एयर सुपीरियरिटी की अगर बात की जाए उसके साथ साथ आज तक के समय पर, ठीक है, जितने भी यहां पर आप देखेंगे जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं वेदर इन इन द एंटायर वर्ल्ड, ओके, राफेल हैज गॉट द मोस्ट एडवांस्ड रडार फिटेड. ठीक है, अगर रडार्स की बात की जाए या सिग्नल इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो राफेल में आज के समय के सबसे एडवांस्ड इक्विपमेंट्स फिटेड है. ओके, अलोंग विद इट दे ऑल्सो डू प्रोवाइड इट द स्टेल्थ कैपेबिलिटी. क्लियर, तो यहां पर इसे एक एयर डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, कोई एरिया डिनायल मतलब कोई इंटरसेप्शन है इंटरसेप्शन के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, रिकॉनोसेंस कोई रेकी मिशंस के लिए भी इसे ऑपरेशन, कोई क्लोज एयर सपोर्ट चाहिए किसी और एयरक्राफ्ट ग्रुप को इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर इट, इट कैन बी यूज फॉर डायनेमिक टारगेटिंग. ठीक है, डायनेमिक टारगेटिंग का मतलब दैट द टारगेट लॉकिंग इज वेरी वेरी एडवांस्ड. ओके, एयर टू ग्राउंड प्रिसीशन अटैक्स जो है उसके लिए, एंटी शिप अटैक्स के लिए, और इसके साथ साथ इसका सबसे खास फीचर है दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर न्यूक्लियर डेटरेंस आल्सो. ओके, न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, मींस के ये जो एयरक्राफ्ट है दिस एयरक्राफ्ट कैन ऑल्सो बी यूज्ड ओके फॉर न्यूक्लियर अपग्रेडेशन, इट कैन बी कंसिडर्ड फॉर कैरिंग द न्यूक्लियर अपग्रेडेशन न्यूक्लियर वेपन्स. क्लियर, अब काफी लोग यहां पर कहते हैं कि सर मिड एयर रिफ्यूलिंग, देखिए मिड एयर रिफ्यूलिंग जो है दैट इज नॉट स्पेसिफिकली अ फीचर रिक्वायर्ड इन अ फाइटर एयरक्राफ्ट बट इट इज अ फीचर दैट इज गिवन बाय अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट. ठीक है, क्योंकि जो फाइटर एयरक्राफ्ट है इनकी इनका फ्यूल कंबर्शन इज वेरी वेरी हाई. ओके, सो ड्यूरिंग लॉन्ग ऑपरेशंस दे रिक्वायर मिड एयर रिफ्यूलिंग एंड विच इज प्रोवाइडेड टू देम बाय द ट्रांसपोर्ट्स. क्लियर, तो ये जो मिड एयर रिफ्यूलिंग है दैट इज अ प्राइमरी फीचर ऑफ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट. ओके, अब राफेल की अगर बात करी जाए इट इज अ 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट. ओके, ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है एंड इट इज अ फ्रेंच ओरिजिन दासो एविएशन. क्लियर, मूविंग अहेड, यहां पर राफेल के बाद अगर हम नेक्स्ट सेट ऑफ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, ठीक है, वैसे तो काफी लोग कहते हैं सर एलसीए तेजस, यस एलसीए तेजस हैज आल्सो बीन द फर्स्ट इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया. क्लियर, उनके बाद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को अगर हम डिस्कशन स्टार्ट करें तो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में सबसे पहले आता है दी C-130J ग्लोब मास्टर. ठीक है, ये जो एयरक्राफ्ट है इट इज कैपेबल ऑफ पैरा ड्रॉप, हैवी ड्रॉप एंड कैजुअलिटी इवैक्यूएशन आल्सो. ठीक है, दिस एयरक्राफ्ट कैन ऑपरेट फ्रॉम शॉर्ट एंड सेमी प्रिपेयर्ड सर्फेसिस आल्सो. तो आप देख सकते हैं कि दौलत बेग ओल्डी लद्दाख में जब इसने इट लैंडेड, ओके, दैट वॉज द टाइम when all the enemies were afraid of India's logistic support to any point to any part of the country. क्या ठीक है, अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इसी फेज के दौरान, ठीक है, C-130J it is the aircraft that can carry the largest amount of logistic support. कोई casualty evacuation हो तो whether it has been natural calamities or war or anything. ओके, C-130J प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल. क्लियर, इसके बाद अगला जो एयरक्राफ्ट आता है हमारा दैट इज द IL-78. ठीक है, और IL-78 की अगर बात करी जाए तो सभी पुराने एयरक्राफ्ट में IL-78 जो है उसमें पहली बार मिड एयर रिफ्यूलिंग की जो टेस्टिंग थी वो की गई थी. क्लियर, सो इट इज अ 4-इंजन टैंकर प्रिंसिपली विच इज यूज फॉर इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग. ठीक है, ये प्राइमरीली जो है इन फ्लाइंग रिफ्यूलिंग के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है एंड इट कैन रिफ्यूल अ मैक्सिमम ऑफ 4 प्लेन्स साइमल्टेनियसली ऑन द ग्राउंड. ठीक है, तो एक साथ आप लोग देख सकते हैं कि 4 प्लेन्स को मिड एयर रिफ्यूलिंग ग्राउंड पर प्रोवाइड कराई जा सकती है. क्लियर, मूविंग अहेड, यहां पर अगर आप लोग देखते हैं कि इसी के साथ साथ ये
ऑर्डिनरी ट्रांसपोर्ट पर्पसेस जो है उनके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वेदर इट इज द लॉजिस्टिक सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द लॉजिस्टिक्स, वेदर इट इज द एयर ड्रॉपिंग ऑफ द ट्रूप्स, इट कैन डू एनीथिंग। क्लियर? मूविंग अहेड, अगला जो एयरक्राफ्ट आता है दैट इज C-17 ग्लोब मास्टर। ठीक है, C-17 ग्लोब मास्टर जो है वो अगला एयरक्राफ्ट है, एंड दिस एयरक्राफ्ट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग अ पेलोड, और ये प्राइमरीली जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस पर इसके साथ साथ आर्मी को भी हर प्रकार का सपोर्ट देना इसका काम है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कई बार टैंक्स ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रक्स को ट्रांसपोर्ट करना है, मोबिलिटी व्हीकल्स को ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, ये सभी चीजों के लिए C-17 एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया जाता है, एंड इट इज कैपेबल टू कैरी अ पेलोड ऑफ अप टू 40-70 टन्स टू अ डिस्टेंस ऑफ अप टू 9000 किलोमीटर। और खास बात यह बोली जाती है कि यह एक ऐसा एयरक्राफ्ट है, ठीक है, 9000 किलोमीटर तक की के डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ओके, इट रिक्वायर्स ओनली वन हॉप, बस एक बार रुक के 9000 किलोमीटर की जो जर्नी है, ठीक है, वो इसके द्वारा कवर कर ली जाती है। क्लियर? सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एयरक्राफ्ट विच इज बीइंग डन, डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स रहे हो यहां पर, कोई भी काम रहा हो, ठीक है, वेदर इट इज द हैवी आर्मामेंट और ट्रूप्स, इट इज द C-17 ग्लोब मास्टर दैट सॉल्व्स द पर्पस। ओके, इसके बाद अगला जो एयरक्राफ्ट आता है दैट इज IL-76। ठीक है, अब IL-76 में आप देख सकते हैं इट इज अगेन अ 4-इंजन हैवी सपोर्ट ड्यूटी लॉन्ग हॉल मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ठीक है, रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट विद अ स्पीड ऑफ अराउंड 850 किलोमीटर पर आर, एंड इट हैज अ 23 mm कैनन ऑल्सो। ठीक है, तो ये यहां पर आप लोगों की एक लॉन्गर ड्यूरेशन में कॉम्बैट कैपेबिलिटीज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मोर ओवर इट कैन कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ पैराट्रूपर्स। ठीक है, सो अराउंड 225 पैराट्रूपर्स कैन बी डन। ओके, एंड मोर ओवर इट कैन कैरी 40 टन्स ऑफ लोड, इट कैन कैरी आर्मर्ड व्हीकल्स, एवरीथिंग। क्लियर? मूविंग अहेड, आफ्टर IL-76 द नेक्स्ट कम्स द मोस्ट प्रोमिनेंट एयरक्राफ्ट विच इज AN-32। ठीक है, AN-32 इट इज अगेन अ रशियन मेड एंटोनोव 32 एयरक्राफ्ट। ठीक है, और मोस्टली ये जो एयरक्राफ्ट है इसका पैराट्रूपर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा आप लोग देखेंगे कि इंडियन एयरफोर्स का जो आगरा में पैराट्रूपिंग स्कूल है, ठीक है, पैराट्रूपिंग स्कूल जो है, पैराजंपर स्कूल जो है, उस फेज में आप देखेंगे कि वहां पर भी AN-32 एयरक्राफ्ट जो है एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लियर? सो दिस इट हैज अ ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप मीडियम टेक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, रशियन ओरिजिन का। ओके, एंड इट कैन क्रूज एट अ स्पीड ऑफ अराउंड 530 किलोमीटर एंड अ लोड ऑफ अराउंड 6.7 टन। ठीक है, तो ये यहां पर AN-32 की जो कैपेबिलिटीज है उनकी बात की गई है। क्लियर? मूविंग अहेड, अगले जो एयरक्राफ्ट आते हैं दैट इज एम्ब्रेयर। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट है दीज आर प्राइमरली फॉर VVIPs। ओके, VIP मूवमेंट्स, VIP मूवमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, VIP मूवमेंट्स में आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर इनका जो मेन रोल है दैट इज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ VVIPs। ओके, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि वेदर इट इज द सर्विस चीफ्स ट्रेवलिंग और द मिनिस्टर्स ट्रेवलिंग, ओके, अलोंग विद इंडियन एयरफोर्स दे डू हैव देयर द ट्रांसपोर्टेशन इज बेसिकली थ्रू द एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट। ठीक है, और ये जो सभी एम्ब्रेयर की जितनी यूनिट्स हैं दे आर ऑल बाय द एयर हेडक्वार्टर्स कम्युनिकेशन क्वार्टर्स। ठीक है, ये एयर हेडक्वार्टर जो है वो ही एम्ब्रेयर की सभी फ्लाइट्स की को मैनूवर मॉनिटर करता है। क्लियर? इसके साथ साथ एम्ब्रेयर की खास बात ये रही है कि ये जो एयरक्राफ्ट है टिल डेट इट हैज मेंटेन्ड अ एक्सीडेंट फ्री रिकॉर्ड। क्लियर? नेक्स्ट एम्ब्रेयर के बाद अगले जो एयरक्राफ्ट आते हैं दैट इज एवरो। ओके, एवरो जो है दैट इज अगेन अ ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट। ओके, और ये भी प्राइमरीली यहां पर सिर्फ पैरा ड्रॉपिंग के लिए और ट्रूप मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? इट हैज अ स्पीड ऑफ अराउंड 452 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? नेक्स्ट कम्स द डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी में एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, एंड दिस एयरक्राफ्ट इज फॉर अ लो, यहां पर आप देखेंगे कि एक लो कैपेसिटी एयरक्राफ्ट के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, एंड इट दिस एयरक्राफ्ट इज बेसिकली फॉर ट्रूप्स
ट्रांसपोर्टेशन, ट्रूप्स ट्रांसपोर्टेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है एंड इट कैन अटेन अ स्पीड ऑफ 428 किलोमीटर पर आवर. क्लियर? जो फ्रेट कैपेबिलिटी है दैट इज ओनली अराउंड 2000 केजीज. क्लियर? अगला यहां पर एयरक्राफ्ट जो आता है दैट इज अगेन द वीवीआईपी बोइंग 737. ठीक है, ये जो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है दैट इज फॉर द कैपेबिलिटीज फॉर बेसिकली, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये भी एक वीआईपी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है एयरक्राफ्ट. क्लियर? एंड इट इज बेसिकली फॉर फेरिंग ट्रूप्स, फेरिंग पैसेंजर्स, फेरिंग वीआईपीज. क्लियर? तो ये एक जो आम आप लोगों का कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, इट इज सिमिलर टू दैट एयरक्राफ्ट. क्लियर? मूविंग अहेड, अगले जो हेलीकॉप्टर्स आते हैं, हेलीकॉप्टर्स जिनमें आप लोग देखेंगे सिंगल इंजन, ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है. यहां पर सबसे पहले आता है Mi-25 और Mi-35 हेलीकॉप्टर्स. क्या ये ट्विन इंजन टर्बोशार्ट असोल्ट हेलीकॉप्टर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं एंड दे हैव कैपेबिलिटीज ऑफ कैरिंग अप टू 8 मैन. ओके, एंड दे कैन ऑल्सो कैरी 12.7 mm रोटरी गन्स. ठीक है, तो यहां पर 12.7 mm गन्स जो है वो भी इसके साथ फिटेड है एंड इट इज ऑल्सो फिटेड विद एंटी टैंक मिसाइल्स. एंटी टैंक स्कॉर्पियन मिसाइल्स जो है वो भी इनके साथ फिटेड रहती है. क्लियर? द क्रू स्पीड इज अराउंड 310 किलोमीटर्स. क्लियर? मूविंग अहेड, Mi-25 के बाद अगले जो एयरक्राफ्ट आते हैं, यहां पर हैवी लोड कैरी करने के लिए एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है एंड दीज एयरक्राफ्ट आर द Mi-26. ठीक है, Mi-26 एयरक्राफ्ट, दीज आर अगेन ट्विन इंजन टर्बोशाफ्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट विच आर यूज फॉर कैरिंग द कॉम्बैट लोड एज वेल एज द ट्रूप्स. ओके, इट कैन कैरी अ लोड ऑफ अप टू 20,000 केजी. तो आप देखेंगे कि ये जो एयरक्राफ्ट है दे आर एक्टिंग लाइक अ स्मॉल साइज ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट टू द प्लेसेस वेयर इन द ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैन नॉट लैंड एंड सम ह्यूज वेट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड. क्लियर? अगली चीज, अगले जो एयरक्राफ्ट आते हैं दैट इज द Mi-17V5. ओके, पोटेंशियली कैपेबल एयरक्राफ्ट. ठीक है, और ये Mi-17V5 जो है दैट इज यूज विद द लेटेस्ट एवियोनिक्स अमंग्स द हेलीकॉप्टर कैटेगरी. क्लियर? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि नेविगेशनल इक्विपमेंट जो है वो बहुत अच्छे अवेलेबल है. मोर ओवर दे ऑल्सो हैव द वेदर सूटेड रडार कैपेबिलिटीज. क्लियर? तो यहां पर ये जो Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हैं दे आर एक्सटेंसिवली यूज. ठीक है, और एक्सटेंसिव यूज के साथ साथ ये हाई ऑल्टीट्यूड पर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है. क्लियर? इसके बाद अगले जो आते हैं द मोस्ट फेमस, द मोस्ट रिलायबल, दे कैन लैंड एट एनी प्लेस विच आर द चेतक हेलीकॉप्टर्स. क्लियर? ये जो चेतक हेलीकॉप्टर्स हैं आप लोग देखेंगे दीज चेतक हेलीकॉप्टर्स. ओके, दीज आर सिंगल इंजन टर्बोशाफ्ट फ्रेंच बेस्ड हेलीकॉप्टर्स विद अ कैपेसिटी ऑफ 6 पैसेंजर्स और अप टू 500 केजी लोड. दे हैव अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 220 किलोमीटर. तो आप देख सकते हैं कि एक बॉर्डर पेट्रोल्स रहे हो, एरिया रेकी रहे हो, हमेशा से ये चेतक चीता हेलीकॉप्टर्स जो है दे हैव द बेस्ट सपोर्ट फॉर देम. ठीक है, यहां पर कभी भी हाई ऑल्टीट्यूड इवन टू प्लेसेस लाइक सियाचिन. ओके, दीज हेलीकॉप्टर्स हैव ऑलवेज प्रूव्ड देयर इंपॉर्टेंस. क्लियर? लास्ट यहां पर जो हेलीकॉप्टर आते हैं दैट इज द चीता हेलीकॉप्टर. ठीक है, चीता हेलीकॉप्टर, दीज आर सिंगल इंजन अगेन टर्बोशाफ्ट हेलीकॉप्टर्स. ओके, और ये आपके इवैक्यूएशन, ओके, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. दे हैव अ कैपेसिटी ऑफ 3 पैसेंजर्स और 100 केजी एक्सटर्नल स्लिंग लोड्स आल्सो एंड दे कैन बी यूज्ड फॉर अ मैक्सिमम क्रूज स्पीड ऑफ 121 किलोमीटर पर आवर एंड कैन क्लाइंब अप टू 1 किलोमीटर इन ओनली 4 मिनट्स. ठीक है, इसकी जो हाइट है वो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 4 मिनट में दीज हेलीकॉप्टर्स कैन अटेन हाइट्स ऑफ अप टू 1 किलोमीटर. क्लियर? तो ये काफी यहां पर प्रोमिनेंट एयरक्राफ्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है एंड दीज एयरक्राफ्ट्स दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन वेदर, इन वॉर्स, नेचुरल कैलेमिटीज और वेर इन द इवैक्यूएशन और एनी हाई एल्टीट्यूड लो एल्टीट्यूड ऑपरेशंस हैव टू बी कंडक्टेड. क्लियर? तो उन सभी चीजों में हम लोग देखते हैं कि ये सभी जो एयरक्राफ्ट हैं दे डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो यहां पे फुलफिल करते हैं. क्लियर? तो ये जो सारी चीजें हैं यहां पर आप लोग देखेंगे
These aircrafts have been effectively used by the armed forces. So whether it is the army, whether it is the navy, they have effectively used them. Clear? Army, navy, air force, they have used them many a times. Okay. Shubham, meaning of me. Acha, me jo term hai, that is the short form of military. ठीक है, ये जो एयरक्राफ्ट थे मी 17, मी 25, मी 35, ये नेटो फोर्सेस इस्तेमाल करती थी, तो मिलिट्री का शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करती थी. ठीक है, क्लियर. सो मी वाज द, इट वाज देन दैट इट वाज यूज्ड फॉर मिलिट्री ग्रेड एयरक्राफ्ट्स. क्लियर, ओके. अरे प्रिंस जी, यहां पर ये जो शब्द बोला जाता है एरोडायनेमिक्स, ठीक है, ये इफेक्टिवली दिस टर्म एरोडायनेमिक्स, ओके, that it is the term which is responsible for science behind the air speed. Okay, science behind something flying in the air speeds. ठीक है, वहां पर इनका इस्तेमाल किया गया है. ठीक है, अरे जो चिनूक अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक है, आई हैव टिल डेट आई हैव यूज्ड द हेलीकॉप्टर्स विच आर बीइंग इन न्यूज. अभी रिसेंटली यहां पर आप देखें कि इन्हें इनकॉर्पोरेट किया गया है. ठीक है, चिनूक एंड अपाचे आई वुड बी कवरिंग सम इन सम अदर सेशन इन सम लेटेस्ट अपग्रेडेशंस. ठीक है, ओनली चिनूक एंड अपाचे हैव नॉट बीन कवर्ड बिकॉज दे आर नॉट दैट एक्सटेंसिवली बीइंग यूज्ड. ओके, अच्छा चलो, तो यहां पर अब चिनूक अपाचे भी देख लेते हैं जस्ट एंडिंग फेज में. ठीक है, तो यहां पर AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो है, ठीक है, इनकी अगर बात करी जाए तो दीज हेलीकॉप्टर्स, ओके, दे आर फॉर अ क्रू साइज ऑफ टू. ठीक है, दो लोगों के क्रू साइज में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है. ओके, मोर ओवर ये जो बोइंग मैन्युफैक्चर्ड हेलीकॉप्टर्स है, और इनकी खास बात आप लोग देख सकते हैं दैट दे हैव अ डिफरेंट एरोडायनेमिक्स डिजाइन. ठीक है, यहां पर जो एरोडायनेमिक डिजाइन है वो बहुत डिफरेंट है. मोर ओवर चिनूक ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो है, दे आर इफेक्टिवली बीइंग यूज्ड फॉर नाइट विजन ऑपरेशन. ठीक है, अभी तक जो हमारे पास जो एयरक्राफ्ट्स रहे थे, जो हेलीकॉप्टर्स थे, वो नाइट ऑपरेशंस कैपेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं थी उनकी. ठीक है, और इस फेज में आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं, उन्हें नाइट विजन ऑपरेशंस के लिए काफी इस्तेमाल किया जाता है, और इसी के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर्स दे हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड. क्लियर, लास्ट में आप लोग यहां पर देखते हैं बोइंग चिनूक हेलीकॉप्टर्स, वो एक हैवी लोड हेलीकॉप्टर के तौर पर लाया जा रहा है, हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर. ठीक है, और ये जो हेलीकॉप्टर्स की अगर बात की जाए, दे आर दी हेलीकॉप्टर्स विच कैन कैरी दी हैवीएस्ट पॉसिबल लोड्स. ठीक है, अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि यहां पर एक्सटेंसिवली जो यूएस फोर्सेस हैं उन्होंने इसका इस्तेमाल किया गया है. ठीक है, और इन्हीं के साथ साथ चाहे ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन रहा हो या फिर इक्विपमेंट आर्मामेंट ट्रांसपोर्टेशन रहा हो, उसमें चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैव ऑलवेज सपोर्टेड दी यूएस फोर्सेज, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने भी इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था. क्या, सो दिस वॉज इफेक्टिवली ऑल फॉर माई साइड टूडे. ठीक है, हनी पाई जी पूछ रहे हैं सर ग्रेटर नोएडा डू क्वेश्चंस कम. देखिए हनी पाई जी, बहुत चीजें ऐसी हैं रिटन में नहीं आती, एसएसबी में आ सकती है. इफ यू आर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन यू मस्ट नो अबाउट दीज थिंग्स. क्लियर, सो एनी वन हु हैज गॉट एनी डाउट इन एनीथिंग प्लीज डू लेट मी नो. ओके, ओके, साहिल शेख जी देखिए बोला जाता है बट इफेक्टिवली एमआई वर्ड इज फॉर मिलिट्री कैटेगरी एयरक्राफ्ट. ठीक है, बिल्कुल छायांश जी, सीपीएसएस के लिए भी लेकर आएंगे, आप चिंता मत कीजिए. ओके, दे चुका हूं पर अभी रिजल्ट. अरे आकाश जी आप भर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो. हां जी, पिछले आप चार भर दीजिए. ठीक है, नहीं अंजलि, इसराइल से एयरक्राफ्ट नहीं लिए जाते. इसराइल हमेशा आप देख सकते हैं रडार इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मशहूर है. ठीक है, और बताइए एनी अदर डाउट टू एनीवन इन एनीथिंग. क्लियर, सो दिस वाज इफेक्टिवली ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे. ओके, प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. अब इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन. जय हिंद.